ये कुछ महीने पहले बिटकॉइन को लेकर बहुत ही ज्यादा हाइप चढ़ा था ना, आज देखता हूँ प्राइस कितना है। व्हाट, 26 लाख्स? आई थिंक मुझे भी कुछ बिटकॉइन अभी ले लेना चाहिए, लेकिन खरीदू कहाँ से? सुन भाई, क्वाइन स्विच कुबर इज द बेस्ट एक्सचेंज इन इंडिया। अगर तुझे खरीदना है बिटकॉइन तो वहीं से खरीदना। अरे क्या बात कर रहे हैं बूढ़े ब्रो, तुझे पता भी है वजीरेक्स नंबर वन एक्सचेंज है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम वहीं पे आता है। अरे लॉन्डो तुम क्या बोल रहे हो, ज़ेप्पे सबसे पुराना ट्रस्टेड एक्सचेंज है इंडिया का, अगर तुझे खरीदना है तो वहीं से खरीदना। भाइयों भाइयों रुक जाओ, जब इंडियन गवर्नमेंट बैन लगाएगी ना तब ये देसी एक्सचेंज की बांट लग जाएगी। भाई तुझे अगर खरीदना हो तो बाइनेंस से खरीदना, इंटरनेशनल एक्सचेंज है। नहीं, कॉइन स्विच कुबेर सबसे ज़्यादा अच्छा है। नहीं, कॉइन DCX पे जाओ भाई, कॉइन DCX सबसे बड़ा बनने वाला है। नहीं ज़ेप्पे, नहीं वजीरेक्स, नहीं कॉइन स्विच कुबेर। तो क्या आप भी कंफ्यूज है कि किस एक्सचेंज से क्रिप्टो बाय करना है? आप चाहते हैं बिटकॉइन बाय करना, वो बहुत ही डाउन आ गया है नवंबर के ऑल टाइम हाई से, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे खरीदा जाए। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए, मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कौन सा एक्सचेंज एज अ बिगिनर आपके लिए बेस्ट रहेगा और क्यों। सबसे पहले बोल देता हूँ, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, वजीरेक्स, कॉइनडीसेक्स, कॉइन स्विच कुबर, बाइनेंस एक्सेट्रा, बट मैं इन सब में से सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ वॉल्ट। दैट्स बिकॉज सारे एक्सचेंजेस में एक फीचर नहीं है कि आप खरीद के स्टोर करके रख देंगे लेकिन उस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो जब दाम बढ़ेगा बिटकॉइन का तब आपको फायदा होगा जब सेल करेंगे, लेकिन वॉल्ट में आप बस स्टोर करके रखने के लिए आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, जैसे सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट होते हैं। ठीक वैसे ही सेविंग्स अकाउंट में आप 100 रुपये रखते हैं, उस पर 2.5 या 3% का इंटरेस्ट मिलता है, FD करेंगे तो 6% या 5% जो भी है। यहाँ पे आप क्रिप्टो सपोज बिटकॉइन को वॉल्ट में फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट जैसा भी है वैसे भी रख सकते हैं। तो अगर आपने बस स्टोर करके रख दिया तो सालाना आपको बिटकॉइन पे 6.5% इंटरेस्ट तक मिल सकता है अगर आपने FD किया तो। तो चलिए मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कि कैसे साइन अप करना है वॉल्ट पे। पहले तो लिंक पे डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप जाके वॉल्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद स्क्रीन पे देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। हाँ, तो हम वॉल्ट के स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे 7 रुपये का क्रिप्टो पड़ा है, और ये टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड, ये क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे रखा था, अब मैं दूसरे अकाउंट पे रखता हूँ। तो जब आप साइनअप पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक करके सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाके यहाँ क्लिक करना है KYC। ओके, KYC में आपको सारे डिटेल्स देना है, जैसे जैसे नॉर्मल KYC किसी भी चीज़ में कंप्लीट होता है वैसे करना है। उसके बाद KYC कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे। यहाँ पे डिपॉजिट INR ऑप्शन है, डिपॉजिट INR पे क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन से क्लिक आप डिपॉजिट कर सकते हैं, एक है MobiKwik द्वारा और एक है UPI IMPS NEFT वो सब। MobiKwik द्वारा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसमें फीस लगते हैं। आप UPI या IMPS पे जाइए, यहाँ पे आपका एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जैसे ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, ये इस अकाउंट नंबर पे आपको डिपॉजिट करना है, UPI या IMPS जो भी आपकी मर्जी। ये फ्री है, 0% फीस लिखा है। आप डिपॉजिट करने के विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, वॉलेट पे आपको दिखेगा यहाँ पे। और उसके बाद आप कैसे क्रिप्टो बाय करेंगे, सपोज आप बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखिए प्रो ट्रेडिंग एक फीचर फी ऑप्शन है, प्रो ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे वहां जाके। हाँ, यहाँ पे देखिए बाय का बटन है, नीचे ये है प्राइस। अब ध्यान से सुनिए, दो तरह की ऑर्डर होते हैं, एक है लिमिट, एक है मार्केट। अब देख सकते हैं लिमिट मतलब आप चाहते हैं, सपोज अभी 29.4 लाख प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का, आप चाहते हैं मैं 29 लाख से ऊपर के प्राइस पे नहीं खरीदूंगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 29 लाख। ठीक है, और यहाँ पे आप जितने भी बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, सपोज आप 1000 रुपये डिपॉजिट किए, आप यहाँ INR पे लिख दिए 1000, तो 1000 रुपये का इक्विवेलेंट बिटकॉइन यहाँ पे 0.00034। ठीक है, आप यहाँ पे बाई BTC पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर
क्रिएट हो जाएगा। जब भी बिटकॉइन का प्राइस 29 लाख तक गिरेगा तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके पास इतना बिटकॉइन आ जाएगा। और दूसरा क्या कर सकते हैं, मार्केट ऑर्डर, मतलब आपको आप नहीं चाहते कि प्राइस गिरेगा तब आप खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है आप उसी पे खरीदना चाहते हैं। तो फिर मार्केट ऑर्डर, मार्केट सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे जितने भी अमाउंट का आप खरीदना चाहते हैं लिख दीजिए, 1000 रुपए या जो भी आपकी मर्जी, और बाय बीटीसी पे क्लिक कीजिए। इंस्टेंटली आपका जो भी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे बिटकॉइन आ जाएगा। आपको ऐसे बाय करना है और जब सेल करना चाहते हैं तो यही सेल पे जाइए, सेम चीज है, लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर, जिस प्राइस में बेचना चाहते हैं अब बेच सकते हैं। अब बारी आती है कि ये बिटकॉइन तो आ गया, अब ये रहेगा कहाँ पे? अब यहाँ पे वॉलेट ऑप्शन देख सकते हैं, वॉलेट ऑप्शन पे जाके यहाँ देखिए बिटकॉइन मेरे पास अभी 0.000146 बिटकॉइन है इस वॉलेट पे। ये है आपका वॉलेट, ठीक है। अब इस वॉलेट, हर वॉलेट का एक एड्रेस होता है। हाँ, आप जैसे अपना एड्रेस देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस सिंबल, प्लस सिंबल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये है आपका वॉलेट एड्रेस, ठीक है। अगर कोई आपको बिटकॉइन भेजना चाहता है किसी दूसरे वॉलेट से तो ये वॉलेट एड्रेस आपको शेयर करने पड़ेगा उसके साथ, वो आपको भेजेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप अगर आप किसी दूसरे वॉलेट में अपना बिटकॉइन भेजना चाहते हैं तो फिर ये एरो बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिस वॉलेट से भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस बैठाएंगे और आप भेज सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस, हाउ कैन यू buy and sell crypto. Now coming to the fixed deposit option. यहाँ पे देख सकते हैं एक fixed deposit option है, इस पे अब अगर आपने bitcoin खरीदा है तो उसको यहाँ पे suppose आपने एक bitcoin खरीदा, ठीक है, suppose तो यहाँ पे 1 लिख के आप 30 days के लिए इसे fixed deposit पे डाल सकते हैं, ये fixed deposit हो जाएगा और per year यहाँ पे 6.7% APY, मतलब 6.7% आपको interest मिलेगा, ठीक है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट नहीं किया तो फिर आपको नॉर्मल 4.5% का ही इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 4.6% यहाँ पे देख सकते हैं 4.6% का, क्योंकि मैंने इस पे फिक्स डिपॉजिट किया नहीं है, ठीक है। ये सेविंग्स अकाउंट की तरह काम करता है। और अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो आप उसे 30 डेज तक निकाल नहीं पाएंगे, 30 डेज इज द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड। ऑलराइट, सो दिस इज द टोटल फिक्स डिपॉजिट थिंग विच वॉल्ट प्रोवाइड्स, and this is why I prefer Vault over any other platforms in India. Now talking about the safety, Vault is insured by BitGo. Now what is BitGo? BitGo is the largest custodian for crypto platforms. You can check it out on Google also. Up to $100 million तक आपका पैसा safe है Vault में, insurance है BitGo ने provide किया है. Vault has partnered with Coinbase, Binance and some big names in the crypto industry. So it is absolutely safe, and the CEO of Vault, Darshan Bhatija, he is also a great person. I have talked to him personally. He is the relationship manager of my account, my personal account in Vault. So there's that. Now, ye buzz un logon ke liye hai jo long term invest karna chahte hai. ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ट्रेडिंग दूसरे प्लेटफॉर्म में किया जाता है, वही बेनिफिशियल रहेगा, उसके बारे में मैं बाद में वीडियो लाऊंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू हैव देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डिस्ट्रॉय द लाइक बटन, ओके। प्रियमाचार्य जी, साइनिंग ऑफ।